गुड मॉर्निंग क्लास, माई नेम इज़ दीपाली गुप्ता। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास फिफ्थ, सब्जेक्ट है हमारा मैथ और एक्सरसाइज है हमारी 3.2। 3.2 की फिफ्थ क्वेश्चन का बी पार्ट हम इससे पहले वाले पार्ट में कर चुके हैं। आज हमारा पार्ट टू स्टार्ट होगा, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर सी। सभी बच्चे अपनी बुक निकालिए, पेज नंबर 21 है हमारा। देखिए, पहले हमें अपना क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। तो देखिए, आ वेयर हाउस हैज़ 386,971 टन्स ऑफ नॉर्मल राइस एंड 584,768 टन्स ऑफ बासमती राइस। देखिए, यहाँ पे आपको दो तरीके के क्या दिए गए हैं, राइस दिए गए हैं। एक तो नॉर्मल राइस और एक बासमती राइस, ये टन दे रखा है आपको, ठीक है। विच टाइप ऑफ राइस इज मोर एंड बाय हाउ मच, यानी हमें बताना है कौन से वाले चावल हमारे ज़्यादा हैं और कितने, ठीक है। क्या है क्वेश्चन में, हमारे पास टू टाइप के राइस हैं, एक नॉर्मल राइस है और एक बासमती राइस है, और हमें बताना है कि कौन से वाले राइस हमारे ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ नॉर्मल राइस, या हम क्वांटिटी भी लिख सकते हैं, कितनी है, 386,971 टन्स, एंड वैल्यू ऑफ बासमती राइस ये कितनी है, 584,768 टन्स। क्वेश्चन है हमारा मोर राइस, विच निकालना हमें, विच राइस, सॉरी, विच टाइप्स ऑफ राइस इज मोर, यही है। देखिए, क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे, तभी तो हमें पता चलेगा कौन सा ज़्यादा है। देखिए, यह हमें साफ दिखाई दे रहा है बासमती राइस इज मोर देन नॉर्मल राइस, लेकिन कितने ज़्यादा है ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। कितने में से, 5,847,681,793 माइनस कर दीजिए, कितना बचा, 7, 16, वन यहाँ ले लेंगे, 16 हो गया, यहाँ 6 बचा, 16 में से 7 गए तो 9, 6 है, इधर को हमने कैरी ले लिया, 16 हो गया, इधर 3 बचा, 16 में से 9 गए बचे 7, ठीक है, 3 छोटा है एक और ले लिया हमने, इधर 7 बचा, 13 में से हमारे 6 चले गए तो कितने बचे, 7, नेक्स्ट 17 में से 8 गए तो 9, इधर 4 बचा 1, कितना आया हमारा, 1,97,797। तो हम लिख सकते हैं 1,97,797। देखिए, हमने लिखा 1,97,797 टन बासमती
राइस इज मोर देन नॉर्मल राइस. समझ में आया सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. बी पढ़ लेते हैं इसे एक बार. क्या लिखा है? आर डिस्ट्रिक्ट हैज 979,765 लिटरेट बॉयज़ यानी पढ़े लिखे लड़के हैं एंड 350,256 लिटरेट गर्ल्स और 350,256 पढ़ी लिखी लड़कियां हैं. हाउ मैनी मोर बॉयज़ आर लिटरेट इन कंपैरिजन टू द गर्ल्स? देखिए सबसे पहले हमें कंपैरिजन करना है कि कौन से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं लड़के या लड़कियां और फिर कितने पढ़े लिखे हैं. जैसे हमने इसमें देखा कि बासमती राइस बड़े हैं क्योंकि यह 5 है या 3 है. ये 5 लाख के और ये 3 लाख तो यानी ये ज़्यादा है. तो हमने क्या करा, ये निकालने के लिए कितने ज़्यादा है माइनस कर दिया. तो सेम जो हमारा डी क्वेश्चन है उसमें भी ऐसे ही करेंगे. चलिए मैं आपको बता देती हूँ. क्या लिखेंगे? लिटरेट बॉयज इन इक्वल टू 969,765. ठीक है, लिटरेट गर्ल्स इन डिस्ट्रिक्ट प्लस टू 5,84,000. ये लिखा गया गलत हमारा. क्या है? 350,256 यही दे रखा है हमें. तो कौन सी ज़्यादा है? देखिए यहाँ भी साफ पता चल रहा है लिटरेट बॉयज़ आर मोर देन लिटरेट गर्ल्स, है ना. ये 9 लाख है और ये 3 लाख है. तो हम इसे लिख सकते हैं लेकिन हमें निकालना क्या है, हाउ मैनी मोर. तो निकालने के लिए हाउ मैनी मोर लिटरेट बॉयज क्या करेंगे, माइनस कर देंगे. अब तो आपको माइनस करना बहुत अच्छे से आ गया होगा. देखिए 5 में से हमने 6 माइनस करा, 1 इधर से कैरी ले लेंगे, 15 हो गया. 15 में से 6 गए 9, 5 बचा 5 में से 5 0, 7 7 में से 2 गए तो कितने बचे 5, 9 में से 0 गए तो 9, 6 में से 5 गए तो 1 और 9 में से 6 गए तो 3 गए तो 6. ये ही है हमारा आंसर. तो क्या लिख देंगे, 6,90,509 बॉयज आर लिटरेट ठीक है. या इसको हम इस तरीके से भी ले सकते हैं. कंपैरिजन गर्ल
ये क्वेश्चन हमारा यहाँ ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ई। ई को देखते हैं एक बार। इजी एक्सरसाइज थी, इसमें हमें सिर्फ माइनस करना था। लिखा है आ स्टेट प्रोड्यूस 95,67,876 टन्स ऑफ मैंगोज। देखिए ये हमारा बिल्कुल किसकी तरह है, सी की तरह है। इसमें राइस थे, इसमें मैंगो है। आउट ऑफ विच 36,76,237 टन्स आर एक्सपोर्टेड, हाउ मैनी टन्स ऑफ मैंगो आर लेफ्ट। यानी इनके पास कुछ मैंगोज हैं, मतलब कि एक राज्य है वहाँ पे आम के बहुत सारे पेड़ हैं। तो यानी जो आम का उत्पादन है वो कितना है, 95,67,876। लेकिन जो आम की सेल कह लो या दूसरे राज्य में आम को बेचा जाता है, या आम जो इन्होंने एक्सपोर्ट करे, यानी एक्सपोर्ट किसी और राज्य में भेज दिए, जैसे हमारे यहाँ पर लीची नहीं होती है तो लीची हम बाहर से मंगाते हैं, हमारे यहाँ मैंगो ज़्यादा होते हैं तो वो बाहर चले जाते हैं, तो ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है। तो ऐसे ही एक राज्य है जहाँ पर आम उगाए जाते हैं, इन्होंने क्या करा, कुछ मैंगोज दूसरे राज्य में भेज दिए। तो अब हमें बताना है कितने मैंगोज उनके पास बच गए। ठीक है, सिंपल है, माइनस करना है। तो हम लिख सकते हैं, इसे आप खुद करोगे, मैं आपको सिर्फ स्टेटमेंट लिख के दे रही हूँ। वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस मैंगो मैंगोज बराबर और वैल्यू ऑफ कितन क्या एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट मैंगोज कितनी है, दोनों लिखेंगे। और वैल्यू ऑफ लेफ्ट मैंगोज, चलिए मैं एक बार वैल्यूज भी लिख देती हूँ, माइनस आप लोग करोगे। 9,567,876,36 ये टन है। टन्स और इसे माइनस कर देंगे 9,567,876,732,673। ठीक है, माइनस कर देना और लिख देना और लेफ्ट। क्लियर है, चलिए रफ कर देती हूँ मैं। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। ये आप लोग अपनी कॉपी में मत करना, बुक्स में भर लो सिर्फ। इसी वजह से मैं इसके आंसर लिख रही हूँ, माइनस ही करने हैं आपको। देखिए फर्स्ट में हमें ज़ीरो ऐड करनी है, तो ज़ीरो किसी में ऐड करते हैं तो सेम आता है। तो ये आंसर है आपके, ये आंसर पहले का है, ए का, बी का क्या आ जाएगा 83297, क्योंकि 483267 ऑलरेडी लिखा है। इसमें देखिए सेम वैल्यू है सी, तो ज़ीरो ऐड की होगी तभी सेम वैल्यू है। अब माइनस करनी है डी, डी में से देखो सेम वैल्यू माइनस हो रही है तो क्या आएगा हमारा, ज़ीरो। ई देखिए, ई में क्या आएगा हमारा,
सिक्स फोर थ्री फोर एट, यहाँ पे हमारे थ्री फोर फोर फाइव सिक्स सेवन, ठीक है। एट के बाद हमारा आएगा नाइन टू एंड वन, ठीक है। इसे हम लिख सकते हैं इस तरीके से। एफ, एफ में हमारा क्या आएगा, देखिए एफ को ज़रा ध्यान से देखिए। ये मैं आपका लिख सकती थी डायरेक्ट, लेकिन मैं आपको समझाना चाह रही हूँ इसको। देखिए यहाँ पे सिर्फ एक डिजिट हमारी अलग है, बाकी जितनी सारी डिजिट हमारी सेम है। अगर यहाँ पे फाइव होता तो हमें माइनस करना कितना इजी हो जाता, ये सब जीरो हो जाते और यही हमारा बचता। लेकिन एक यहाँ पे डिजिट, ये छोटी है ये बड़ी है, तो देखिए हमारा कितना चेंज हो जाएगा। ये हमारा 15 हो जाएगा, 15 में से 6 गए तो 9 बचा, ये 16 हो गया, 16 में से 7 गए तो हमारा 9 बचा, ये 12 हो गया, 12 में से 3 गए तो कितना बचा 9, ये हमारा ऑलरेडी 9 हो गया क्योंकि वन हम इधर से कैरी लेते हुए जा रहे थे, और ये हमारा 4 बचा था तो 9 में से 0 गई तो 9 बचा, 4 में से 14 हो गया, 14 में से 5 गए तो 9 बचा, इधर 6 3 9। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका आंसर क्या हो गया हमारा 936, यानी 9,36,99,999। जी देख लीजिए, जी में हमें माइनस करना है तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं 8 1 7 6 4 3 9 9, ठीक है। और H में यहाँ लिख देती हूँ, H में भी हमें 10,000 माइनस करना है तो 4 4 8 2 8 9 6, ये हमारे आंसर हैं। अपनी बुक में फिल कर लीजिएगा। ये एक्सरसाइज हमारी यही ख़त्म होती है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।